अगर आप ये ऐसे बाइट एक बार लेके चले जाते हो तो अपने चाचा ताया फूफा बुआ सबको तारीफें करोगे कि भाई वहाँ गए थे, वहाँ वो खाया, ये वो चीज़ है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया भारत भाई। भैया का नाम भारत है और यहाँ पे श्याम स्वीट्स के ओनर है और बताने वाले हैं हमें कि यहाँ पे नाश्ते में क्या क्या मिल जाएगा। भारत भाई सबसे पहले तो इधर उस्ताद जी के पास दिखाइए, ये क्या बना रहे हैं? ये बेड़मी बना रहे हैं जी। आप आगे आ जाइए प्लीज। ये बेड़मी बना रहे हैं जी। जी जी, बेड़मी होती है पुरानी दिल्ली का एक स्टेपल फूड होता है। अच्छा जी, आपको पूरी तो हर जगह मिल जाएगी जी, आप जैसे और भी जगह बहुत जगह गए हैं आपको पूरी मिल जाएगी जी। बट जो पुरानी दिल्ली में बेड़मी बनती है जी, वो बनती है मोटे आटे की। मोटे आटे की जी जी जी, उसको आटे को थोड़ा सा उसको मोटा करके फिर पीसा जाता है। वाह वाह वाह, थोड़ा दरदरा रहता है। दरदरा रहता है और उसके अंदर उड़द की दाल की मसालेदार पिट्टी स्टफ करी जाती है। अरे वाह, और उसको दो बारी में फ्राई करके फिर बनाया जाता है। वाह वाह, पहले हाफ फ्राई किया जाता है फिर उसको फुल फ्राई किया जाता है जी। और उसको सर्व किया जाता है आलू की सब्जी के साथ और छोले के साथ में जी। आलू की सब्जी तक पहुँचते हैं पहले मैं ये देखना चाहता हूँ उस्ताद जी, जो फ्लैटन कर रहे हैं पेड़े को, फ्लैटन करके फिर उसको फ्राई किया जाता है और हाफ डन करके फिर फुल फ्राई किया जाता है। वाह, ये देखिए जाते पहले इसको हाफ कर रहे हैं जी और इसके बाद इसको फुल किया जाएगा। वाह जी वाह, तो इसको थोड़ा सा आप वेट करते हैं ताकि करारी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए ना। जब इसको हवा लग जाती है भाई एक बार पूरियों को तो फिर आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी पूरी जो है वो करारी हो जाएगी और एकदम क्रंची एकदम क्रिस्पी बन के निकलेगी। ये देखो ये थोड़ी सी बन के तैयार भी हो रखी है और ये इधर आने भी वाली है। ये देखो जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और साथ के साथ हाथों हाथ ऑर्डर्स तो लगे रहते हैं, बनने से पहले बुक हो जाती है। और इधर देखो जी, ये है पनीर के पकौड़े। और भारत भाई आप आ जाइए प्लीज़ और दिखाइए हमें। मैंने आपके लिए ये लगवा रखे हैं। अच्छा, आपने लगवा भी दिए, क्या बात है जी। ये बेड़मी हो गई जी, इसकी स्पेशलिटी ये है, आप ये देखिए इसके अंदर जी आपके सामने पूरा फ्राई किया हुआ है, मगर आप वाओ ऑयलीनेस बताइए कहाँ है। वाह जी वाह, इसमें 1% भी ऑयल नहीं है यार, और अंदर चिली फ्लेक्स भी दिख रहे हैं। और चिली फ्लेक्स ये भी देखने के हैं जी, मिर्चे नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये सिर्फ देखने के हैं और हल्का सा स्वाद आएगा जी। साथ में हम आपको आलू की सब्जी देते हैं जी, जिसके अंदर ऊपर से हम मेथी दाने की चटनी डालते हैं। अरे वाह, छोले की सब्जी हो गई जी, और एक हम सर्दियों में गाजर का, गर्मियों में ये खीरे का अचार बनाते हैं जी, जिसको आज की डेट में नई यंग जनरेशन के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि पाइनएप्पल है तो हम मना नहीं करते जी, ताकि उसको पूरा खत्म कर सकें जी। घिया क्या कि हर एक कोई आदमी रुक जाता है। अरे ये पाइनएप्पल कहते हैं, घिया है, पाइनएप्पल बोलना पड़ता है ताकि सामने वाला खा पाए जी जी जी। वाह, क्योंकि जितने भी नए न्यू कमिंग यंग एज है टीनेजर्स है वो घिया नहीं खाते जी, वो नाम से ही अवॉइड करते हैं, वो पाइनएप्पल खा लेते हैं। कूल है। और ये देखिए इसके खास बात ये है, ये ऑयल फ्री है। अरे वाह वाह वाह, ये राई से बना हुआ है। वाह जी वाह, ऑयल फ्री कहते हैं राई सब लोगों की ताई जी जी जी, बहुत बढ़िया। एक बार भारत भाई अंदर आके ना ये सब्जियां दिखाइए, ये देखिए जो इधर बनी हुई है भाई, इधर से शुरू करते हैं हम। ये देखिए आप, ये छोले की सब्जी है, ऊपर कोफ्ते रहते हैं। वाह जी वाह, ऑयल भी सिर्फ ऊपर ऊपर है और ऑयल नहीं है, घी है, ये रोगन है, मसालों का रोगन है जो पकाई हुई है अच्छे से, बढ़िया। ये साथ में आपका आलू की सब्जी आ जाती है। ये आ गई जी आलू की सब्जी। हाँ, इसके अंदर हम टमाटर नहीं डालते, ये हमारी यूएसपी है। अच्छा, आपको बिना टमाटर की आलू की सब्जी कहीं नहीं मिलेगी जी जी जी। तो इसमें खटास कैसे लाते हैं आप? खटास के लिए हम मेथी दाने की चटनी डालते हैं। और वो दिखाइए सर, ये रही मेथी दाने की चटनी। ये है जी मेथी दाने की चटनी। इसके अंदर करीबन 50 से 55 तरीके के मसाले लगते हैं और एक पूरा दिन लगता है इसका, एक बैच पूरा चटनी का बनाने का। तो इसका जो कड़वापन है वो रहता है या वो हटा देते हैं आप? बिल्कुल रहता है, उसी का तो स्वाद है। ओहो हो हो हो, वाह 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 वाह। और ये क्या है जी? ये वही अचार जो आपको दिखाया था। अरे सर, ये पाइनएप्पल कहने को है पर ये घी का अचार है। और इधर अंदर ये हमारी नगौरी हलवा आ गया। आइए सर आप प्लीज़ अंदर आइए, आप आइए। इधर क्या है सर? ये हमारा ये नगौरी हलवा है। ये है जी नगौरी हलवा। नगौरी हलवे की यूएसपी ये होती है, नगौरी ली जाती है जी, इसको एक साइड इसको ब्रेक करी जाती है जी जी जी, इस तरीके से उसके अंदर थोड़ा सा हलवा भरा जाता है। अच्छा जी, कोई सिर्फ हलवे के साथ खाता है, कोई हलवा और सब्जी दोनों मिक्स करके, और कोई सिर्फ सब्जी के साथ। अरे वाह, इसकी यूएसपी ये है कि एक बच्चा 2.5-3 साल का जिसके दांत नहीं है और एक सीनियर सिटीजन 70 साल के जिसके दांत चले गए,
दोनों इजीली खा सकते हैं। वाह, बिना दाल के और इजीली डाइजेस्टेबल है। वाह जी वाह, क्योंकि ये सिर्फ सूजी का बना हुआ है। अरे हलवा है और सूजी की ही नगौरी है। क्या बात है, जबरदस्त यार। ये देखो ये नगौरी हलवा है और बहुत सुना होगा, आज आप देख लो कि कैसे नगौरी हलवा जो है वो बनता है। और आगे सर वो गुलाब जामुन के भी ऊपर नजर डाल दीजिए, मैं उधर आता हूँ आपकी तरफ। हाँ जी, और इसमें दो अलग अलग रंग है। हाँ, ये एक हम बनाते हैं दिल्ली के अंदर, एक रेड कलर का लंबे वाला और एक ब्लैक में गोल में। जी जी जी, तो ये काला जामुन भी है तकरीबन, और गुलाब जामुन जो लंबे वाला वो भी है। और सर अगर किसी को यहाँ पे दुकान पे आना हो तो लोकेशन बताइए। लोकेशन सिर्फ चावड़ी बाजार में, आप कहीं से भी आके पूछ लीजिए। जी, श्याम स्वीट्स। जी, थोड़ा बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो लोग बहुत से लोग इसको लैंडमार्क बना के भी यूज़ करते हैं हमारी दुकान पे। वाह वाह वाह, कहीं जाना हो तो श्याम स्वीट्स पे आ जाइए, वहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं। वाह वाह वाह। और टाइमिंग्स अपनी? टाइमिंग सर देखिए, सुबह 8 बजे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, आपको सर्विंग स्टार्ट हो जाती है, और शाम के 10 बजे तक रहती है। बट बेड़मी और नगौरी जो है वो हम 2 बजे तक रखते हैं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद पनीर पकौड़ा, समोसे, मटर की कचौरी, आलू के समोसे, मटर के समोसे, विंटर्स में गोभी के समोसे हो गए, दाल की कचौरी हो गई, अपने मिठाई हो गई, इस तरीके से। और भारत भाई, हमने ना टाइम ऐसा चूज किया जिस टाइम पे आपसे बात हो पाए, क्योंकि काफी बार हमने कोशिश करी है बट बात नहीं हो पाती है। यहाँ पूरा जो ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा भरा होता है, भीड़ होती है पूरी यहाँ पे। पर आज भारत भाई हमें मौका मिला आपके आने के लिए, हमने रास्ता साफ रुकवा रखा है। अरे सर, भाई साहब ये सारा कुछ है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ये देखो पाइनएप्पल का अचार, मैंने सोचा यही शेयर करते हैं, इससे शुरू करते हैं। किस भाई, ड्राई में है और सही कह रहे, अगर अपने कस्टमर्स को हेल्दी चीज़ें खिलानी है, टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर वो बिलीव करते हैं पाइनएप्पल है तो बोलना पड़ेगा हाँ जी पाइनएप्पल है, खा लो। बट हम जो खाने वाले हैं ना, उसके लिए आपको थोड़ा मेरे करीब आना पड़ेगा। ये हमने नगौरी एक बार तो टेस्ट करनी पड़ती है कि किस तरह से फूटेगी। ये आ गई जी नगौरी, ठीक है। इसके अंदर हम भरेंगे हलवा, नगौरी के अंदर हलवा भरेंगे। तो इधर आप बढ़िया सा एक एंगल लो और ये देखो, ये आ गया जी हलवा। ये सही तरीका है इसको खाने का। मुझे प्रदीप जी ने बताया कि अगर आपको एक दिल्ली वाले की तरह खाना है ना, तो नगौरी के अंदर हलवा भरो ऐसे, एक सेकेंड, ठीक है। इसको लोड कर लो अच्छे से, पूरा लोड ना, पूरा अच्छे से लोड करना है। इट शुड बी फिल्ड टू द टॉप। ये आ गया अंदर तक पूरा, और अगर आप मेरे जैसे भुक्कड़ हो ना, तो इसको ऊपर तक ऐसे भर लो, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये आ गई जी नगौरी, इसमें आ गया हलवा, और इधर है जी ये आलू। ये है एक बाइट, ये देखो ध्यान से समझना, ये बाइट है। पहले ओह, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। भाई मैं खो गया। अगर आप एक असली दिल्ली वाले की तरह खाना चाहते हो ना इसको, तो इसको ऐसे ही खाना, मज़ेदार है भाई। ना गौरी लो, साथ में लो हलवा और आलू की सब्जी। और भाई मेरे हिसाब से अगर आप ये नाश्ता एक बार कर लेते हो, तो आप चाहे पूरा चांदनी चौक घूम लो, चावड़ी बाज़ार घूम लो, आप हरिद्वार घूम लो, चावड़ी बाज़ार छोड़ो हरिद्वार घूम लो, ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। देसी घी में बना हुआ हलवा है सूजी का, उसके अंदर किशमिश है, और बहुत ही बड़ा अच्छे से बढ़िया से पकाया हुआ है। नगौरी जो है वो क्रिस्पी है लाइक गोलगप्पा, बट वो भी थोड़ा थिक लेयर वाला गोलगप्पा। ऊपर से जो आलू की चटनी, जो आलू की जो सब्जी आती है, अच्छा ये आलू की लौंजी नहीं है, ये प्रॉपर आलू की सब्जी है। तो इसमें जो मसाले हैं, वो जो खड़े मसाले, ऊपर से रोगन है, दिस इज आइकॉनिक। समझ रहे हो ना, मतलब अगर आप ये ऐसे बाइट एक बार लेके चले जाते हो, तो अपने चाचा, ताया, फूफा, बुआ सबको तारीफें करोगे कि भाई वहाँ गए थे, वहाँ वो खाया, ये वो चीज़ है, ज़बरदस्त है। अगर आपने ऑलरेडी खा रखी है तो कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी। अगर आपने नहीं खाई तो कमेंट करके ये बताओ कि कब आ रहे हो और कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद। साढ़ी हरी भी जाऊँगा, आजादी वादा है साढ़ा पंजाब, नाले साढ़ा हिंदुस्तान। जय हिंद।
और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक जबरदस्त वीडियो अबाउट अनदर प्लेस दैट आई हैव कवर्ड विद यू फॉर यू, तो भाई ये देखो मैं इस दुकान पे प्रदीप जी लेके आया हूं। प्रदीप जी ने एक मेमोरी बताई जो मैंने सोचा आप सबके साथ बांटूं और शेयर करूं, वो मेमोरी इसके साथ जुड़ी हुई है। प्रदीप जी बताइए प्लीज। यहां पे एक शेल्फ हुआ करता था जी, लगी हुई थी। अच्छा जी, 1986 मेरे पेरेंट्स मुझे इस पर बिठाते थे, यहां पे बैठ के खिलाते थे। अरे वाह, इधर भीड़ में फोन आ जाओ जी, ये भी फोन का डिस्पेंसिंग करते हैं, दे हैव अकोमोडेटेड सम टेबल्स एंड ऑल। जी जी जी, यस आई एम ईटिंग हियर सिंस माय चाइल्डहुड। वाओ, तो ये जो यहाँ पे एक स्लैब होती थी, एक शेल्फ होती थी, यहाँ पे प्रदीप जी को बिठा के इनके पेरेंट्स खिलाते थे।